वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको हॉस्टल जो है ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी की भीमताल कैंपस का वो आपको दिखाऊंगा, और साथ ही में रूम्स कैसे हैं और कैसे क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं यहाँ पर हॉस्टल में, और साथ ही में फ़ीस के बारे में बताऊँगा कि पर ईयर आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी। तो अभी के लिए मैं जो लंच करने जा रहा हूँ अपने दोस्त लोगों के साथ, पता नहीं कहाँ चलेगा। ये अभी नई बिल्डिंग बन रही है हमारी फर्स्ट ईयर की हॉस्टल की। ये क्या कर रहे हैं थे? कुछ नहीं यार, बिहारी नहीं आए थे। चलो गाना गाने। और ये रहा अपना हॉस्टल फर्स्ट ईयर का जिसमें हम लोग रहते हैं। अभी अपन लंच करने जा रहे हैं, तो लंच करने के बाद आपको सब कुछ देखते हैं, दिखाते हैं कि कैसे क्या रूम्स हैं, और साथ में अभी मैस जाएंगे तो खाने का भी दिखाएंगे कि मैस में खाना कैसा है, कैसा मिलता है, और कैसे खुद से लेना पड़ता है, क्या कैसे क्या होता है, सब दिखाऊंगा। तो चलो अभी चलते हैं बस। तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, और यहाँ लेफ्ट साइड आपको दिखाऊँ तो ये है हमारी फर्स्ट ईयर की बिल्डिंग हॉस्टल की, जिसमें आपको गर्ल्स का भी है फर्स्ट ईयर का, और साथ ही में बॉयज फर्स्ट ईयर भी यहाँ पर रह सकते हैं। और ये है कुछ व्यू सामने आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर है सीनियर बॉयज़ और गर्ल्स के हॉस्टल्स, जहाँ पर सेकेंड थर्ड और फोर्थ ईयर के बॉयज़ एंड गर्ल्स रहते हैं। और इधर वाली जो बिल्डिंग है ये सामने, ये है हमारी मेस, जहाँ पर हमारा मेस है, जिम है, और डिपार्टमेंटल स्टोर भी है, और ये सारे एकेडमिक ब्लॉक्स हैं, और ये हमारा प्यारा सा ग्राउंड। तो ये है हमारी मेस, अभी अंदर चलते हैं। और सामने ही आपको यहाँ से खुद से खाना जो है लेना पड़ता है। ये जो सेक्शन है यहाँ, ये गर्ल्स सेक्शन है, और ये जो सेक्शन है वो बॉयज़ का सेक्शन। तो अभी जो है खाना हम खुद से लेते हैं। तो ये हमारा बॉयज सेक्शन की मेस, और ये रहा हमारा लंच, जिसमें अभी हमारे लिए आज का जो मेन्यू था वो है यहाँ पर राजमा, यहाँ पर कद्दू की सब्ज़ी है, और रोटी और चावल। अभी के लिए हॉस्टल जो है वो थोड़ा सा खाली सा है, क्योंकि ईयर ब्रेक जो हुआ है अभी, सो अभी के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे घर पे गए हैं। तो अभी के लिए अपना लंच फिनिश करते हैं। तो ये रहा हमारा बॉयज़ हॉस्टल फर्स्ट ईयर का, और आपको रूम दिखाता हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा रूम किसका दिखाऊँ। तो दोस्तों अभी चलते हैं रूम के अंदर, आपको दिखाते हैं ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी भीमताल कैंपस के जो फर्स्ट ईयर है उसके हॉस्टल कैसे हैं, और यहाँ का फीस कितनी है यहाँ की, और मैं से खाना तो आपको दिखा ही चुका हूँ। हो सकेगा तो मैं रात का जो डिनर होता है उसका भी आपको ब्लॉग दूंगा, छोटी सी क्लिप दूंगा। तो अभी के लिए आपके लिए रूम दिखाते हैं। सो कुछ ऐसा है हमारा रूम, जो कि फर्स्ट ईयर का हमारा हॉस्टल है उसका। यहाँ पर अभी 3 बेडिंग थी कुछ टाइम पहले, बट इसको इंक्रीज़ करके 4 बेडिंग कर दिया था, क्योंकि पिछले बैच में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स आए थे। सो आई थिंक सो आगे चल के ये 3 बेडिंग वापस से हो जाएगा, क्योंकि नया हॉस्टल जो है हमारा जस्ट सामने एक और बन रहा है बॉयज़ हॉस्टल, तो आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम होने वाली है। 4 बेडिंग में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बट हाँ आपको वापस से 3 बेडिंग देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। प्लीज़ आप थोड़ा सा इस कबाड़े को थोड़ा इग्नोर करना,
बॉयज़ हॉस्टल में ऐसे ही पढ़ा रहता है सब कुछ। और यहाँ पर आपको स्टडी टेबल मिल जाएगी, चेयर मिल जाएंगे, साइड ड्रॉर, और ये हो गई आपकी बुक शेल्फ, अलमीरास यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। और प्राइवेट वॉशरूम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, आपको आपके रूम के अंदर खुद से अटैच है, ये खुद आप पर्सनली यूज़ कर सकते हैं, तीन लोग चार लोग। तो ऐसा कुछ वॉशरूम है। तो आपको यहाँ से बालकनी दिखा लेता हूँ, ये हो गई हमारी बालकनी, और काफ़ी प्यारा व्यू यहाँ से हमारे देखने को मिलता है इस रूम से। ये देखिए गाइस, अगर हम बात करें हॉस्टल की, तो हॉस्टल में अगर आप आते हैं तो आपको एक हॉस्टल किट भी लेनी पड़ती है, जिसमें आपको ये जितने भी गद्दे हैं वो आपको मिलते हैं, ब्लैंकेट मिलता है, और आपको क्विल्ट मिलता है, क्विल्ट कवर मिलता है, पिलो मिलती है, और वगैरह वगैरह जो हॉस्टल में रहने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें वो आपको मिलती है। सो एक तरीके से हॉस्टल की जो किट है वो ऑलमोस्ट मैं बताऊँ तो 8000 प्लस है, 8400 समथिंग है, ऐसे कुछ है, मेरे को प्रॉपरली याद नहीं, बट 8000 से ऊपर है। तो ये जो है वो वन टाइम आपका चार्ज होता है, एक बार ही आपको पे करना होता है। सो अभी बात करते हैं फीस की, कि अगर आप यहाँ पर ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी भीमताल कैंपस में आते हैं तो आपको कितनी फीस जो है वो हॉस्टल की पे करनी पड़ेगी। सो हॉस्टल की फीस की अगर मैं बात करूँ तो आपको 78,000 रुपीज़ जो है पर ईयर का आपको पे करना पड़ता है, जिसमें आपका 3,000 रुपीज़ सिक्योरिटी मनी भी इंक्लूडेड होता है। तो अगर आप हॉस्टल आते हैं तो आपको मतलब 78,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा हॉस्टल का। बात करें अगर यहाँ पर जिम की, तो यहाँ पर जिम की भी फैसिलिटी आपको मिलती है हॉस्टल में। अगर आप रहते हैं तो आपको आई थिंक सो 350 रुपीज़ आई थिंक सो मंथ का पे करना पड़ता है, और जिम जो है वो आप जा सकते हैं। जिम की क्लिप मैं डालने की कोशिश करूँगा अगर मेरे पास मिलती है तो। सो बात करी जाए अगर लॉन्ड्री की, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर में जो लॉन्ड्री है वो आपको एक तरीके से कंपलसरी जो है वो आपको लेनी पड़ती है। 4000 जो है वो लॉन्ड्री का चार्ज होता है, आपको हर वीक में दो बार जो है लॉन्ड्री वाले आते हैं और आपके कपड़े ले जाते हैं, और थोड़े बस उसके भी थोड़े से टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और मतलब ऑलमोस्ट पूरा सेट है आपका हॉस्टल, अगर आप आते हैं पहली बार घर से निकल रहे हैं तो आप हॉस्टल में आके रह सकते हैं, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो गाइस यही था हमारा व्लॉग आज का, और अगर आपको कैसी भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, अगर आपको एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आपको हॉस्टल के बारे में और कुछ जानना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये व्लॉग जो है वो एंड होता है, और अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं हॉस्टल के और भी व्लॉग्स बनाऊँगा, कॉलेज के और भी व्लॉग्स बनाऊँगा कैंपस के। मैं अपना ही रूम दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि मैं आपको अपना ही रूम दिखा देता हूँ। तो ये रही हमारी कॉरिडोर, और ये रहा हमारा रूम, रूम F6। अंदर दिखाने लायक ही नहीं है भाई। हमारी प्यारी बाबू पाया।
चलो गाइस इतना काफी है, अब जिम जा रहे हैं, बाय बाय।